स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माई चैनल अकेडमी वेला। आई एम आशुतोष एंड लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th की इंग्लिश रीडर बुक जो है उसके चैप्टर 6 जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाई अ ट्रेन और अ प्लेन। तो पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई ट्रेन या फिर प्लेन का सफ़र किया है। Do you remember any interesting incident that occurred during your journey? तो उस समय आप जब अगर ट्रैवलिंग की है आपने तो उस समय की कुछ घटित चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर बताना चाहेंगे तो बताइए अगर आपको याद हो तो, है ना। तो देखिए पहली चीज़, ऐसे क्वेश्चंस के कम चांसेस होते हैं, अगर होते हैं, अगर आते हैं तो आपको कैसे भी कोई एक्सपीरियंस तो शेयर करना ही पड़ेगा। तो इसमें मैंने तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है, लेकिन अगर आपके साथ जेन्युइनली कोई आपने कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, जब आप कोई कहीं घूमने फिरने गए हैं एरोप्लेन से या फिर ट्रेन से, तो उस समय कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ कुछ घटित हुई हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो आप इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो आपको बता देता हूँ कि येस, आई हैव हैड सेवरल अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल बाई ट्रेन। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ट्रेन से बहुत बार मैंने सफ़र किया है। Many interesting incidents have occurred during my journey by train. मैंने मेरे साथ जब ट्रेन में मैंने सफ़र किया है तो उस समय बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें घटित हुई हैं भाई। But I tend to forget almost all of them as it did not affect my life in a big way. लेकिन मेरे साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल गया हूँ। क्यों? क्योंकि वह मेरी लाइफ को, मेरे जीवन में एक बड़ा कुछ बदलाव, काइंड ऑफ कुछ चेंज नहीं आया है, इसलिए मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। लेकिन आप लिख भी सकते हैं इसके बारे में, ये टोटली अप टू यू है। पहले ही बता देता हूँ, इस आंसर को मैंने इलोंगेट नहीं किया, लेकिन आप लिख सकते हो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आप पूछ सकते हो। अगर आपका कोई आपके कुछ आंसर्स आपको सजेशन में आ रहे हैं तो आप वहाँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और वीडियो कैसे लग रही है वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं कि व्हाई डज द राइटर से दैट ही इज़ ईजली कन्फ्यूज्ड। तो लेखक ऐसा क्यों कहता है कि वो बार बार कंफ्यूज हो जाता है भाई, है ना। गिव एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और आपको अगर ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो छोटी छोटी बातों पे, आसान चीज़ों पे भी कंफ्यूज हो जाता है, तो आप उसका सपोर्ट करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए आप एक रीज़न बताइए। चलिए आंसर देखते हैं कि द राइटर सीज दैट ही इज़ इजली कन्फ्यूज एज ही थिंक्स दैट ही इज़ अनएबल टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स प्रॉपरली विच द अदर पीपल आर एबल टू परफॉर्म विदाउट एविडेंट डिफिकल्टी। तो कहा जा रहा है कि राइटर कहता है कि वह आसानी से कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि ही इज़ अनेबल टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स प्रॉपरली। वो बहुत सारी चीज़ों को करने में, अच्छी तरीके से करने में असमर्थ है, जो कि उस कार्यों को दूसरे लोग आसानी से कर सकते हैं लेकिन वह करने में असमर्थ है, इसलिए वो कहता है कि मैं सारी चीज़ें ढंग से नहीं कर सकता। अब द राइटर सेज दैट ए नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज़ गॉन लुकिंग फॉर द लेविट्री इन अ सिनेमा। मतलब अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया था ना कि आप सजेशंस अगर दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ रीज़न भी दीजिए, है ना, एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए कि आपको कैसे लगता है कि लेखक जो है छोटी छोटी कार्यों को करने में असमर्थ है। तो आंसर यहाँ पर दिखाया गया है कि राइटर ने एक दो बार कहा है दैट ए नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत समय, बार बार, जब भी वह गॉन लुकिंग फॉर द लेविट्री इन अ सिनेमा, जब भी वह सिनेमा में लेविट्री रूम के लिए जाता है, एंड इट एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग डोर। वो अक्सर क्या होता है कि उस मूवी थिएटर हॉल में, सिनेमा हॉल में जब जाता है और लेबोरेटरी रूम की तरफ जाता है तो वो अक्सर दूसरी, मतलब गली से होते हुए, है ना, और रॉन्ग साइड में जाकर ऐसे दरवाजे की तरफ खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो दरवाजा जो है सेल्फ लॉकिंग डोर है, यानी कि अपने आप वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। कुल मिला के वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इस बात से ये बात क्लियर हो रही है कि वह छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर पाता। फिर मोर ओवर ही वॉज कॉन्ट्रैक्टेड अ हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 टाइम्स अ डे एंड आस्किंग व्हाट हिज रूम नंबर वॉज। और एक और बात ये भी जायज है, मतलब इस बात से भी पता चलता है कि वो अक्सर क्या करता है, वो घूम फिर के काउंटर पे चला जाता है, रिसेप्शन पे, और पूछता है कि मेरा रूम नंबर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भुलक्कड़ काइंड ऑफ है वो, है ना। These are the instances in support of my answer. ये मेरे आंसर के सपोर्ट में कुछ पहलू थे जो मैंने आपको बताए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट एक्सेस्पिरेटेड द नरेटर एट द लोगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन। तो उस इंसिडेंट के बारे में बताएं जो नरेटर जो था ना, है ना,
लोगन एयरपोर्ट जो कि बॉस्टन में था, वहाँ पर उसको बहुत चिंतित रूप में डाल दिया था, बहुत परेशान कर दिया था। तो उस इंसिडेंट के बारे में आप वर्णन करें। तो व्हेन द नरेटर अराइव्ड एट द लोगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन विद हिज फैमिली, जब वो फैमिली के साथ लोगन एयरपोर्ट पहुँचा, तो ही सडनली रिमेंबर्ड दैट ही हैड रिसेंटली ज्वाइन ब्रिटिश एयरपोर्ट एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। तो वो किसी ब्रिटिश एयरवे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम से जो ज्वाइन हुआ था उसके बारे में वो भूल गया। वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मतलब ही सडनली रिमेंबर्ड, उसको अचानक से याद आया, क्योंकि वो भूल गया था तब तक के लिए, अचानक से उस समय याद आया जब वो पहुंचा तो। और वाइल दे वर चेकिंग इन ही ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट ही हैड पुट द कार्ड इन द कैरी बैग दैट वॉज हैंगिंग अराउंड हिज नेक। और जब चेकिंग हो रही थी, चेकिंग नहीं चेक इन, चेक इन होता है जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो, तो जब चेक इन हो रही थी ना, उस समय उसको याद आया कि जो वो कार्ड था जो उस प्रोग्राम में इनरोल किया था उसने ब्रिटिश एयरवेज वाले में, तो उसका जो कार्ड था वह उसके गले में जो थैला लटका हुआ था उसके अंदर रखा हुआ है। उसको अचानक से याद आया ये बात भी, है ना। बट द ट्रबल स्टार्टेड व्हेन ही गॉट टू नो दैट द जिप ऑफ द बैग वॉज जैम्ड। लेकिन भाई परेशानी तो तब शुरू हुई जब उसको पता चला कि उसका जो चेन है बैग का जिसमें उस कार्ड को रखा है उसने, वो जैम है, यानी कि वो फंसा हुआ है, वो फंस चुका है, वो चल ही नहीं रहा, वो खुल ही नहीं रहा चैन, है ना। सो ही पुल्ड ऑन इट एंड यैंक्ड ऑन इट हार्डर एंड हार्डर विथ मोर ग्रंट्स। तो पहले तो उसने हल्का सा जोर लगाया और थोड़ा सा खींचा चेन को, लेकिन नहीं खुला। फिर यैंक्ड ऑन इट हार्डर, यानी उस पर बहुत जोर लगाने लगा, जोर से खींचने लगा, विथ मोर ग्रंट्स, और दम लगा के खींचने लगा, है ना। एब्रप्टली द जिप गेव अवे, यानी कि हुआ क्या, जोर से धक्का लगाने पे, जोर से दम लगाने पे क्या हुआ, वो जो जिप थी टूट गई, है ना। जीप निकल गई भाई, जीप नहीं जिप, जिप जो है वो जो चेन थी वो टूट गई। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन वॉज एक्स्ट्रावेजेंटली इजेक्टेड ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। तो कहा जा रहा है कि जो भी उस चीज़ उस बैग के अंदर था सब कुछ नीचे बिखर गया, है ना, बिखर गया, और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा टेनिस कोर्ट का जो एरिया है ना, जो टेनिस कोर्ट का एरिया होता है इतना बड़ा है, जो एरिया कवर करता है, उतने बड़े एरिया में उसका सामान जो है बिखर गया, है ना, फैल गया। अब क्या होता है कि ही डिस्कवर्ड दैट हिज फिंगर वॉज गैस्ड ऑन द जिप एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लैविश मैनर एंड ही वेंट इन टू पैनिक मोड। और उसको अचानक से उसको देखा उसने, उसने ये पाया कि उसका जो उंगली था वो भाई उसमें होता है ना पूरा कट गया था और खून से लथपथ हो गया था, उसके हाथों से खून निकल रहा था बहुत तेज़ी से, बुरी तरीके से। एंड ही वेंट इन टू पैनिक, और वो पैनिक हो गया, है ना, वो बहुत पैनिक हो गया। तो